इस फिल्म का म्यूजिक मैं कर रहा हूँ और डॉक्टर विजय भावे और हिना शेख तीन म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस मूवी में। और टाइटल ट्रैक मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड किया था, जो हमारे फ्रेंड यूवी सिंगर हैं, जिसने काफ़ी बॉलीवुड में गाने, बहुत अच्छा म्यूजिक है इसका और लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। आज का प्रोग्राम है, एक आइटम नंबर हमारा रिलीज हो रहा है और डॉक्टर विजय भावे भी प्रयोग हैं और पामेला जैन और अमित मुत्रेजा ने गाया ये नंबर और बहुत अच्छा है ये गाना। ऑडियो तो बहुत अच्छा बना, वीडियो भी अच्छा है, एंजॉय करेंगे आप ये गाना और आई होप दैट यू विल लाइक द सॉन्ग्स इन अवर मूवी। देखो फिल्म से सारे गाने मैच करें ये जरूरी नहीं के ऊपर है, जैसा कि हमारे विनोद गुर्जर जी ने बताया तो स्वच्छता अभियान पे सारे गाने तो नहीं हो सकते, उसके अनुसार एक आइटम नंबर रखा है, एक टाइटल ट्रैक है जो कि पार्टी सॉन्ग है, यूवी ने गाया है और एक रोमांटिक अलका याग्निक जी से रिकॉर्ड कराया हमने और एक जावेद अली से हमने गवाया जो कि साई फरियाद है, जावेद अली और पामेला जैन है, वो गाना भी मैंने ही कंपोज किया था। तो चल रहा है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद तो आएंगे गाने, गानों में बहुत मेहनत की है, अशोक शाह ने हमारे बहुत योगदान दिया है सब गानों में, फिल्म में। किस तरह का है आइटम सॉन्ग जो आप, जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो थोड़ा एक दो लाइन गा देता हूँ। बिंदास खाओ बिंदास पियो जियो जिंदगी शान से, बिंदास खाओ बिंदास पियो जियो जिंदगी शान से, मैं खोले बैठी हूँ मैं खाना मजे उड़ा आराम से, मैं खोले बैठी हूँ मैं खाना मजे उड़ा आराम से। ये एक यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग है और न्यू ईयर में धमाल मचाने वाला गाना है और काफी जो आजकल ड्रिंक्स के जो जितने भी पब हैं, डांस बार हैं, सब जगह छा धूम मचाएगा ये गाना विनोद गुर्जर साहब का और डॉक्टर विजय भावे इसके कर्ता धरता है। वैसे तो रेड रिबन के बारे में क्या कहेंगे लोग? रेड रिबन एक उभरती हुई म्यूजिक कंपनी है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जब हमने शुरुआत की थी यहाँ से तब इसके 5,000 सब्सक्राइबर थे, अब 1,00,000 के आसपास पहुंचने वाले ऑलमोस्ट, और काफी एल्बम हमने यहाँ से रिलीज की है, लव बीट्स एंड बियॉन्ड पिता एल्बम जो अशोक शाह की है वो भी रिलीज हुई है इसी एल्बम कंपनी से, और कृष्ण लीला अशोक शाह की थर्ड एल्बम भी यहीं से रिलीज, ये फिल्म तो फर्स्ट है हमारी जो यहाँ से रिलीज करते हैं। कैसे जुड़े? क्या आशिकी है हमको बताओ, इस फिल्म की म्यूजिक लॉन्च आज रेड रिबन कंपनी के ऑफिस से हम कर रहे हैं और इस फिल्म में मुझे मौका मिला, मैं डॉक्टर विजय भावे बी प्रयोग, इसमें एक गाना जो है जिसके बारे में अभी बताया गया आइटम सॉन्ग, ये आइटम सॉन्ग मैंने लिखा, उसे संगीतबद्ध किया, पामेला जैन और अमित मुत्रेजा से गवा के लिया और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर विनोद गुर्जर और उनके सहयोगी जे के तनवर, इन्होंने इसे फिल्माया है, मध्य प्रदेश में इस गाने की शूटिंग हुई है, सारे फिल्म मध्य प्रदेश में शूट हुई है और मेरे बगल में जो खूबसूरत सी लड़की खड़ी है तनुजा, तनुजा शर्मा, इसने इस गाने में बहुत पैर थिरकाए है और मुझे यकीन है ये गाना धूम मचाएगा। आपने राइटिंग किया है गाने को, कि राइटिंग बहुत मुश्किल काम है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कैसे आप कर लेते हैं और गाना किस तरह का फ्लेवर में? ये गाने के बारे में थोड़ी सी ये बात कहूंगा कि इसकी सिचुएशन के बारे में मुझे विनोद जी ने बताया कि एक गाँव का ढाबा है, वहाँ गाँव के ढाबे में एक लड़की शराब बेच रही है, तो उससे प्रेरणा मिली मुझे और थोड़ी इस गाने के विषय की मेरी जो अपनी खुद की पर्सनालिटी है कि बिंदास खाओ बिंदास पियो, तो वो उधर से शुरुआत हो गई कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहिए। और जैसे अभी दिसंबर महीना है, ये तो न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस गाने का आनंद लें। ये गाना आज ही रिलीज़ हो जाएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रेड रिबन कंपनी के द्वारा और मुझे यकीन है आप सभी लोगों को ये गाना अच्छा लगेगा। क्या आशिकी हमको बताओ, इस फिल्म में मुख्य जो सूत्र है वो है स्वच्छता अभियान को लेकर और ये कहानी मध्य प्रदेश के गांव की है और जहां पानी की किल्लत है और जाहिर सी बात है जब पानी की किल्लत है तो समस्या होती है और उसी में एक लव स्टोरी है
और उसी में थोड़ी पॉलिटिकल कहानी भी है। दो सरपंच है, चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी दौरान हीरो और हीरोइन उनके शादी का प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। तो पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए हीरो कुछ मेहनत करता है और फिर वो भागीरथ की तरह पानी ले आता है गांव में और स्वच्छता अभियान एक तरह से ये पूरा कर रहा है। मेरा नाम है सतनवी शर्मा है, मैं आपको पहले बता दूं। तो मेरा ये फर्स्ट आइटम सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी के साथ जुड़ के। जो आज हमारा प्रमोशन हो रहा है या हमारा गाना लॉन्चिंग जो कर रहे हैं, ये बहुत बहुत प्राउड है मुझे कि मेरे को फर्स्ट चांस मिला, वो भी बॉलीवुड मूवी क्या है आज की हमको बताओ में आइटम सॉन्ग करने का। और जिस टाइम आइटम सॉन्ग हो रहा था उस टाइम पे मुझे बहुत बहुत प्राउड हो रहा था कि मैं मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं विनोद गुजर जी, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आपने पहला आइटम सॉन्ग किया है तो किस तरह का विनोद जी के साथ आपका? जी बस ये तो किस्मत की बात समझ लीजिए शायद। मैं बहुत मैंने बहुत ऑडिशन भी दिए हैं, स्टेज शो भी किए हैं, काफ़ी काम किया है आगे, मतलब पहले काम कर चुकी हूँ शायद। मैंने इनको अपना वीडियो क्लिप भी भेजा था किसी टाइम पे ऑडिशन के टाइम पे। तो आई थिंक इनको शायद मुझ में वो चीज़ नज़र आई होगी जो आज ये आइटम गर्ल के रूप में मुझे मतलब मूवी में उतारा है इन्होंने जो भी है। देखो ये फिल्म एक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी है और एक इसमें साई भक्तों के लिए एक भक्ति भी है। मतलब 20 साल के बाद ऋषि कपूर के बाद अभी तक किसी मूवी में बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनका टाइटल सॉन्ग इन्होंने गाया है क्या आस्ती है हमको बताओ। और जो फुल एंजॉय करते हैं ऐसे लोगों के लिए मैंने आइटम सॉन्ग रखा है इसमें। और जो रोमांटिक लोग होते हैं उनके लिए मैंने जो है इसमें अलका याग्निक जी द्वारा गवाया है, क्या नाम है, रोमांटिक सॉन्ग, यानी कि मेरे चारों गाने हिट है। और आज जो गाना हम लॉन्च करने वाले हैं उस गाने को सुनने के बाद सारी इंडिया 2031 को एक ही बात कहेगी, मजे उड़ाओ आराम। मतलब एक गाना लॉन्च करेंगे पूरी फिल्म के एल्बम लॉन्च नहीं करो, आज म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, हम आज फर्स्ट गाना लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म देखो एक गांव में पानी की समस्या को लेकर एक फिल्म है, ये कहानी है। और इसमें स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक संदेश है और थोड़ी लव स्टोरी भी है, गांव की नेतागिरी भी है, सब कुछ दिखाया गया है, यानी एक मसाला है सबके लिए। और मैं आशा करता हूं कि मूवी सबको अच्छी लगेगी और जल्द ही इसको हम रिलीज करेंगे। वो हम अभी नहीं बता सकते। ओके, और ये यूवी भाई सिंगर है अपना? ये मुझे राजेश म्यूजिक डायरेक्टर जी जिन्होंने बुलाया था, और जब मैं आया था तो मुझे नहीं पता था कि क्या गाने वाला हूँ, लेकिन ये जो गाना है क्या अश्की है हमको बताओ, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है। क्या अश्की है हमको बताओ, क्या अश्की है हमको बताओ, ये इतना ही याद है मुझे क्योंकि काफ़ी वक्त पहले हुआ था। एक समानता है, सांसें हैं तेज आजकल दिल में तू धड़क रहा है, थमती नहीं है दीवानगी ये जिस्म रूह को तड़प रहा है, देखिए तुझ में ही सांसें हैं आके समझाओ, क्या आस की है हमको बताओ। हमको बता। तो एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को लेकर, क्या गाना गाया है आपने जी? ऐसा है कि मुझे पता लगा कि ये फिल्म स्वच्छता अभियान से रिलेटेड है, तो ये मेरे लिए बाय चांस ऐसा हो गया कि अभी कुछ ही दिन पहले अक्षय कुमार की फिल्म आई टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें भी मेरा एक गाना था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाय चांस ऐसा हो रहा है कि सेम मुद्दे पे वो भी फिल्म थी ये भी फिल्म है, तो इसमें भी मेरा गाना आया, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी हिट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट के बारे में जाएंगे इसके अलावा? जी इसके अलावा इससे पहले क्या कूल है हम 3 का एक बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था,
आय हाय जवानी ले डूबी, आय हाय जवानी ले डूबी, आय हाय जवानी ले डूबी, वो मैंने गाया था। ये फिल्म का मेरे ख्याल से क्योंकि ये लास्ट मंथ है तो क्या आश की है हमसे हमको बताओ से ये ख़त्म हो रहा है साल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे बहुत सारे गाने अभी कम से कम 20-25 गाने रिलीज़ में हैं, जिसमें कि कुछ बड़ी मूवीज़ हैं, कुछ छोटी मूवीज़ हैं। साजिद वाजिद के लिए मैंने गाया है, प्रीतम जी के लिए गाया है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मूवीज़ आएँ बाहर, तो मज़ा आएगा। जी मैं एक साल से इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ। मैंने 6 years HDFC बैंक के किए हैं और एंकरिंग की है मैंने न्यूज़ चैनल के लिए। एंड मैं खुद अभी जावेद अली का एल्बम सॉन्ग करने जाने वाली हूँ एज अ मैन लीड। सो अभी उसका कोई शूट डेट फिक्स नहीं हुआ है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड विनोद सर के लिए मूवी के लिए तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज सर खुद हमारी MP से हैं, हमारी फैमिली से निकले हैं, मतलब सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड मैं सर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, मुझे टाइटल ही फिल्म का बहुत अच्छा लगा, सो मुझे तो काफ़ी उम्मीदें हैं इस फिल्म से। एक्चुअली अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे पापा ही, मतलब मेरे पापा ने मुझे हर कदम पे स्ट्रगल करवाया है। एक्चुअली ऐसा होता है कि लड़कियों को मूवी और फिल्म वगैरह में सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली की तरफ से, लेकिन एक लड़की होने के नाते उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसके पेरेंट्स सपोर्ट करें। इवन मेरे पापा ने खुद मुझे सपोर्ट किया है और वो यहाँ आके भी मुझे स्ट्रगल करा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं इतना प्रॉमिस उनसे करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। और कोई प्रोजेक्ट आपके पास अपकमिंग? जी अभी एक्चुअली एक तो मेरा एल्बम सॉन्ग आने वाला है, एंड इसके अलावा अभी बहुत कुछ है जो कि मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है, सो उसके बारे में कहना अभी ठीक नहीं होगा।